हेलो दोस्तों, मैं हूं मंदा। मंदा डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं आंवले की कैंडी। आंवले की कैंडी में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हमें रोज एक आंवला खाना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं कि हमें आंवले की कैंडी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आंवले की कैंडी बनाने के लिए 250 ग्राम आंवला, 300 ग्राम गुड़, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच सोटका पाउडर, 5-6 मीरे, 2 लवंग, 4-5 इलायची और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। सभी मसालों को हमें मिक्सर जार में पीसना है। एक मिक्सर जार लेना है और मिक्सर जार में आधा चम्मच सोटका पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 लवंग, 3-4 इलायची और 5-6 मीरे। सभी मसालों को पीसकर हमें बारीक पाउडर करना है। हमारा पाउडर बनके तैयार हो चुका है, इसे हम आंवला कैंडी में डालेंगे। आंवले को उबालकर गुठलियां निकाल के पंखुड़ियां अलग करना है। आप कुकर में एक सीटी लगाकर भी उबाल सकते हो और कढ़ाई में भी 5-10 मिनट पकाकर उबाल सकते हो। हमें ज्यादा नहीं उबालना है, हमें पंखुड़ियां निकलने तक ही उबालना है। अब हम इसका पेस्ट करेंगे। एक मिक्सर जार लेना है और मिक्सर जार में सभी आंवले की पंखुड़ियां डालकर इसका पेस्ट करेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कैंडी बनाएंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है। कढ़ाई में पीसा हुआ पेस्ट डालकर हमें थोड़ा 1-2 मिनट भूनना है। हमारा 1-2 मिनट भून के हो चुका है। अब हम इसमें 300 ग्राम गुड़ डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक हमारा गुड़ मिक्स नहीं होता, तब तक हमें चलाते ही रहना है। गुड़ हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाले डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिश्रण को चलाते ही रहना है और गाढ़ा डो बनाना है। जब तक हमारा गाढ़ा डो नहीं बनता, तब तक हमें मीडियम गैस पर चलाते ही रहना है। हमारा मिश्रण तैयार है। अब हम गैस बंद करेंगे और एक थाली में निकालेंगे। थाली में निकालने के बाद इसे पूरा ठंडा करना है। कम से कम मिश्रण 15-20 मिनट में ठंडा हो जाएगा। हमारा पूरा मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी कैंडी बनाएंगे। एक परात लेना है और परात में 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर फैलाना है। मिश्रण हाथों में चिपक जाता है, इसीलिए हमें थोड़ा शक्कर का पाउडर हाथों में लेकर, थोड़ा मिश्रण हाथों में रखकर गोल गोल कैंडी बनाना है। इसी तरह आपको सभी कैंडी बनाना है। आप कोई भी आकार की कैंडी बना सकते हो, चौकोर में बना सकते हो और लंबे में भी बना सकते हो। हमारी कैंडी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह आपको सभी मिश्रण की कैंडी बनाना है। आप कैंडी चौकोर आकार में भी बना सकते हो और लंबे आकार में भी बना सकते हो। यह कैंडी आप कम से कम 5-6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो।
यहाँ कैंडी आप जब मन चाहे तब आप एक एक कैंडी सुबह शाम खा सकते हो। हमारी आंवला कैंडी बनके तैयार हो चुकी है। सर्व करो, टेस्ट करो, एंजॉय करो। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में। मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, ईमानदार डायरी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन ऑल पर करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी के वीडियो आपको तुरंत मिले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आने वाली रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।